हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेखर विश्वास, पीडियाट्रिशियन, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर द लव यू हैव शोन फॉर माय वीडियोस एंड माय चैनल, एंड ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एंड फादर्स डे, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी फॉर हैप्पी फादर्स डे, फॉर बीइंग अ ट्रेमेंडस एंड गुड फादर, एंड Happy International Yoga Day. Nowadays, I have seen the parents who are coming to me. They ask कि भाई बच्चों में क्या करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोरोना का सीज़न है, सब लोग इम्यूनिटी के पीछे पड़े हुए हैं। आयुष, आपका होम्योपैथी, हर जगह बोला जा रहा है कि कोरोना का इलाज है तुलसी, किलोय, आपका अदरक, हल्दी का दूध वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहता कि ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, यूनानी हैं या होम्योपैथिक हैं, ये सही नहीं है, पर हर चीज़ का एक रिसर्च होना ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इज़ डूइंग रिसर्च ऑन दीज थिंग्स, और जब तक कि उनकी कोई गाइडलाइंस नहीं आती तो हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ कोरोना से बचा सकती है, नहीं बचा सकती। बट अल्टीमेटली जो बड़े बुजुर्ग भूल गए हैं इम्यूनिटी के बारे में, वो तो अभी भी सही है। हल्दी का दूध पीने में कोई नुकसान नहीं है, तुलसी हो या अस्कार्क है लेने में कोई नुकसान नहीं है, विटामिन सी है, डी है, ये बच्चों में या बड़ों में भी एंटी इन्फेक्टिव या इम्यूनिटी को इन्हेंस करने की में हेल्प करते हैं। लेकिन हमें कोई फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ नहीं रखना चाहिए कि ये ले लिया तो मुझे कोरोना नहीं। तो अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें वो प्रिवेंशंस लेने हैं जो ले रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कम से कम बाहर जाना, हैंड वॉशिंग, इनको हमें नहीं भूलना चाहिए। और चूंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पेरेंट्स पूछते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है, बच्चे घर में रहते हैं, आजकल कहीं बाहर नहीं जा रहे, स्कूल बंद है, तो जो भी बीमारी पकड़ने के चांस हैं वो बड़ों से ही हैं। तो अगर हम बड़े ध्यान रखें, जो पॉइंट्स हैं हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इनको फॉलो करें, तो हम वो बीमारी घर में नहीं ला पाएंगे या नहीं लाएंगे तो बच्चों को भी नहीं होगा। बाकी इम्यूनिटी सिर्फ चीज़ों से नहीं मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है योगा करने से, मेडिटेट करने से, अच्छा फ्रेश खाना खाने से, जंक फूड अवॉइड करने से, अल्कोहल अवॉइड करने से। तो ये ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। प्राणायाम है, प्राणायाम से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। कोरोना है जो हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है, तो अगर हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे, तो हमें जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं कम होंगे। तो एज ओल्ड थिंग्स जो हमारे इंडिया में पहले से इनकलकेटेड हैं, योगा, डिफरेंट थिंग्स, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो बातें की गई हैं, सैर करना, अच्छा खाना, फ्रेश सब्जी लेना, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, तो इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस चीज़ें मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, अल्कोहल का सेवन मत करिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। आज आपके पास टाइम है तो बॉडी पर ध्यान दीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, और जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको कोरोना या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे और हमारे बच्चे बचे रहेंगे। बाकी बच्चों के लिए वही पॉइंट मैं जो बार बार इन्फेसाइज करता हूँ, टाइमली वैक्सीनेशंस को कराने जाएं। फ्लू भी है सीज़न में, टाइफाइड भी मैं बहुत देखता हूँ, फीवर आ रहे हैं आजकल, तो टाइफाइड की वैक्सीनेशन लें, फ्लू की वैक्सीनेशन लें, टाइमली वैक्सीनेशन को मिस मत करें, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में जाएँ, प्राइवेट में जाएँ, पर इनको जरूर करें। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू।